वाहनों के चालान काटने को लेकर ट्रैफिक पुलिस किस तरह से अपनी जेब भरती है और यह सभी जानते हैं, लेकिन आज गुरुग्राम में इन्हीं वाहन चालान काटने वालों को लेकर ट्रैफिक पुलिस के हवलदार ने एक होमगार्ड जवान की पिटाई कर दी, जबकि होमगार्ड अधिकारी के आदेश पर ट्रैफिक पुलिसकर्मी को बुलाने गया था। साइबर सिटी गुरुग्राम में ट्रैफिक पुलिसकर्मी वाहनों के चालान काटने के दौरान किस तरह अपनी जेब भरते हैं उसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। सबसे अहम बात तो ये है कि इन ट्रैफिक पुलिस के हवलदार को पैसा कमाने की गर्मी इस कदर हावी है कि उसने अपने अधिकारियों का आदेश भी अनसुना कर दिया, होमगार्ड के जवान की पिटाई कर डाली। गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी ने ट्रैफिक पुलिस के हवलदार कृष्ण कुमार को फोन किया कि दो वाहनों के चालान काटकर यहां आ जाओ, लेकिन जब वो नहीं पहुंचा तो होमगार्ड सुरेंद्र कुमार बेल्ट नंबर 1901 को ट्रैफिक हवलदार कृष्ण कुमार के पास भेजा गया तो हवलदार कृष्ण कुमार चालान की रसीद दिए बिना ही वाहनों के चालान काट रहा था। होमगार्ड सुरेंद्र ने जब उन्हें ट्रैफिक पुलिस अधिकारी के पास चलने को कहा तो हवलदार कृष्ण ने उससे बदतमीजी करते हुए मारपीट पर उतारू हो गया और उसे कोई थप्पड़ भी लगा दिए और जान से मारने की धमकी भी दे डाली, जिसे पूरी घटना को मोबाइल में कैद कर लिया गया। इसकी शिकायत लेकर जब सभी होमगार्ड पुलिस कमिश्नर ऑफिस पहुंचे तो उन्हें वहां से निकालने की कोशिश की गई। आप वीडियो में देख सकते हैं किस तरह एक पुलिस का जवान होमगार्ड के जवानों को बाहर जाने का दबाव बना रहे हैं और इस दौरान दोनों में काफी बहस भी हो रही है, तो दूसरी ओर एक ट्रैफिक पुलिस का जवान फोन के माध्यम से सारी रिपोर्ट ऊपर अधिकारी को पहुंचाने में लगा है। मीडिया के हस्तक्षेप के बाद उनके शिकायत लेकर जांच का आश्वासन दिया गया, लेकिन ट्रैफिक पुलिस कर्मी पर एक्शन क्या होगा इस बारे में पुलिस का कोई भी अधिकारी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी, यह वाक्य आज गुरुग्राम पुलिस विभाग के सिस्टम में देखने को मिला। मैं सुरेंद्र कुमार, होमगार्ड्स, ट्रैफिक ड्यूटी, पॉइंट शंकर चौक, गुड़गांव। मैं अपनी ड्यूटी कर रहा था तो मेरी ड्यूटी 2 से 9 और मेरे साथ कृष्ण होलदार और सिपाही अमित ने मेरे साथ बदतमीजी और हाथापाई करी और जाडो साहब ने मेरे को बोला था, पहले जाडो साहब ने उनके पास कॉल की अमित के पास अमित को बोला, जाडो साहब बोले भाई चलान हो चुके हैं, 2 चलान करने थे, अमित बोला जी हो चुके हैं, पर वह उसके दौरान कम से कम 10-20 मिनट लगा चुके थे और उसके बाद जाडू ने मेरे को भेजा, बोले जाओ भाई सुरेंद्र कुमार उनको दोनों को बुला के लिया, चलान हो चुके दो। मैं ठीक है सर, हाँ मैं उनको बुलाने के लिए गया तो उसके बावजूद कृष्ण होलदार ने मेरे ऊपर हाथापाई करी और ये बोलिया मैं तेरे कमरे में गेड़ के टांग पाट दूँगा, कभी ऐसा काम करे ही नहीं गा दूँ। मैंने उसी टाइम उसकी वीडियो बना ली और वीडियो बनाने के बाद उसने मेरे साथ हाथापाई करी और खूब इस पब्लिक के सामने मेरे साथ पूरी मारपीट करी और मेरे थप्पड़ मारा खूब, मेरे दर्द हो रहा है अभी तक, मेरे कान फरफरा रहा है और गोली से मारने की धमकी दी, अगर तू गुड़गांव में यहाँ रह गया तो मैं तेरे गोली से उड़ा दूंगा। दोनों अमित और ये कृष्ण दोनों मिले हुए हैं।